लोकायुक्त पुलिस की टीम ने गुरुवार की रात जिस पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था उसे पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने निलंबित कर दिया है। मामले में गोरा बाजार थाने के एक और हेड कांस्टेबल का नाम सामने आ रहा है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। लोकायुक्त पुलिस की टीम ने गुरुवार की रात गोरा बाजार थाने के सामने प्रधान आरक्षक उर्मिलेश ओझा को 40,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में जबलपुर एसपी ने प्रधान आरक्षक उर्मिलेश ओझा को निलंबित कर दिया है। उसके विरुद्ध विभागीय जांच की जाएगी। एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने आरक्षक को निलंबित किए जाने की पुष्टि की। प्रधान आरक्षक उर्मिलेश को निलंबित कर दिया गया और उसको पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है। इसके संबंध में विभागीय जांच भी की जाएगी और लोकायुक्त के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अपनी कार्रवाई करेंगे, विभागीय अपनी कार्रवाई करेंगे। एक वो हेड कांस्टेबल का नाम सामने आ रहा था, अगर ऐसा है तो वो भी हमारे द्वारा विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। बताया जाता है कि उर्मिलेश ओझा ने एक प्रॉपर्टी डीलर से जमीन संबंधी एक शिकायत के निराकरण के लिए रुपए घूस मांगी थी। इस मामले में एक और पुलिसकर्मी के शामिल होने की बात सामने आई है। इसकी भी पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।